हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। कन्या महाविद्यालय में मनाया गया हथकरघा दिवस। शनिवार को कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर सुरेशपुरा की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी डॉक्टर नमिता वे शालू द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर सुरेशपुरा ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हाथ से होने वाले कार्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है। हमें अपने सीमित साधनों से ही इस दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1905 में इस दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के कॉलेज ऑफ मद्रास के शताब्दी कॉरिडोर पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था, जिसके बाद इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग व देश की सामाजिक आर्थिक योगदान को बढ़ावा देकर बुनकरों की आय बढ़ाना है। हथकरघा बुनकर कपास, रेशम, ऊन व शुद्ध रेशों का उपयोग करके माल तैयार करते हैं, जिसकी हमारे जीवन में अधिक मांग रहती है। छात्राओं का वीडियो के माध्यम से भी विस्तृत जानकारी दी गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणमा सेठी, चुरी अस्पताल एवं डॉक्टर सेठीज अमर हॉस्पिटल की डायरेक्टर एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ कि मैंने महिलाओं के लिए एक स्पेशल कैंप की शुरुआत करी है। कैंप में महिलाओं से संबंधित सभी बीमारियों में मुफ्त परामर्श एवं सर्जरी इलाज पे विशेष छूट मिलेगी। ब्रह्म शक्ति स्कूल प्राचार्य रामबीर सिंह को किया सम्मानित। थाना कला ब्रह्मशक्ति स्कूल के प्राचार्य रामबीर सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला ने बताया कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था बेंगलुरु द्वारा शिक्षा, साहित्य, कला एवं समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले देश के चुनिंदा व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। प्राचार्य रामबीर सिंह को भी यह सम्मान देने के लिए वह बेंगलुरु से विशेष रूप से विद्यालय पहुंची। संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला ने बताया कि प्राचार्य रामबीर सिंह के शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान को देखते हुए संस्था ने देश के विभिन्न भागों से सम्मान पाने वाले चुनिंदा व्यक्तियों में शामिल कर एक शॉल, स्मृति चिन्ह व 5100 रुपये देकर अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किया गया। प्राचार्य की शिक्षा के प्रति निष्ठा व कार्यशैली को देखते हुए संस्था ने स्कूल के लिए भी 40,000 रुपये का चेक दिया। स्कूल की तरफ से संस्था के अध्यक्ष एवं उनके साथ आई जानी मानी कवियत्री एवं समाजसेवी चंदा प्रहलाद का कोलकाता के स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देश के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर अमरनाथ अमर, उपाध्यक्ष भीम प्रकाश शर्मा, एंकर प्रियंका कटारिया व सरोज रानी उपस्थित रहे। विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश रंगा ने सभी अतिथि गणों का धन्यवाद किया। विद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ईयरफोन फटने से युवक की मौत, कंप्यूटर से जुड़े हुए था ईयरफोन, आप भी रहें सावधान। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला है, जो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने सबसे लंबा थ्रो फेंक कर 87.58 मीटर फेंक कर गोल्ड हासिल किया है, जिसे पानीपत ही नहीं पूरे हरियाणा व पूरे देश में खुशी का माहौल है। नीरज के गोल्ड मेडल से अब भारत का स्कोर 1 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल वह 4 कांस्य पदक हो गगया है, जिसे कुल मिलाकर 7 मेडल भारत को मिल चुके हैं और अभी मेडल मिलने की उम्मीद भी है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।